गुड मॉर्निंग गाइस, नए ब्लॉग में आप लोग का फिर से स्वागत है। जो मेरी मीटिंग थी, दो दिन चली वो मीटिंग, दो दिन। जो रिजल्ट मेरे को चाहिए था वो रिजल्ट आया नहीं, इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तीन चार दिन में मेरा मीटिंग पूरी क्लियर खत्म हो जाएगी, इसलिए दो दिन से भयंकर बिजी चल रहा था। अच्छा, नया दिन नया ब्लॉग फिर से स्टार्ट करते हैं। आज अभी अपन जा रहे हैं सैम की दुकान, रील वील बनानी है, दो तीन ठोक रील का प्लान करके रखा हूँ, लिख के रखा हूँ, एक नंबर स्क्रिप्ट लिखा हूँ, जहर मजा आ जाएगा आप लोग को देख करके। राखी आने वाली ना, राखी के ऊपर ही है। मेरा एक और भाई है, मेरे चाचू का लड़का, उसको पहले वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं पे। वो लिए नई गाड़ी डिफेंडर, वो अपने डिफेंडर लेकर आ रहा है, उसकी डिफेंडर चलाएंगे अभी। 150-170 तो ऐसे ही चलाऊंगा डिफेंडर को, देखना एक चक्के में, इस तरह वाले दोनों, दो चक्के में सॉरी, इस तरह वाले दोनों चक्के में ऐसे चलाऊंगा उसकी डिफेंडर को। बहुत मन था मेरा, दो दिन से ले लिया, लेकिन क्या नई गाड़ी का चूल था उसको, तो इधर उधर घुमा रहा था, अपनी आली को घुमा रहा होगा, इधर उधर समझ रहे हो ना, लौंडाई कर रहा होगा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अभी आ रहा है लेके मेरे पास अपनी न्यू डिफेंडर। ये आ गए इसकी डिफेंडर, फेंडर नहीं है, टियागो है, टियागो ईवी। क्या बोला तूने? 24 घंटा चला रहा है चार्जिंग करके ना, 24 घंटा चला रहा है इस कार को ये। जा तू मेरी गाड़ी ले ले, एक्सचेंज। गाड़ी तो मस्त है, अंदर से एक नंबर है। और नई गाड़ी की जो खुशबू आती है, मजा आ गया यार। कार खरीदते से चार्जर भी लगा दिया है, बता कंपनी वाले ये तो नहीं बोले ना चार्जर भी मत लगाना। चार्जर लगा लो बोले, और कुछ मत लगाना। अभी इसकी मैं टेस्टिंग करूंगा। अच्छा, ये रेस भी नहीं मारती है खड़ी खड़ी? अरे नहीं, ऐसे होता है ना, रेस पड़ता है ना, ब्रेक लगा के चेंज। हाँ वो तो समझ में आ रहा है मेरे को। वापस मैं आके अपनी क्रेटा में बैठ गया, गरीबी रेखा के नीचे वाली कार। मेरा भाई जो लिया डिफेंडर, एक नंबर डिफेंडर यार, ईवी एक नंबर गाड़ी लगी यार मेरे को। टियागो, एक रुपए का पेट्रोल नहीं लगना, एक रुपए का डीजल नहीं लगना है साला। इसमें डीजल डलवाओ 4-4 हजार रुपए का, बीएम में डलवाओ 7-8 हजार रुपए का, उसका पूरा पैसा बचेगा यार। मस्त उस पे, मस्त ऑटोमेटिक थी एकदम, उड़ाया उसको 120-140 दौड़ाया, गाड़ी एक नंबर थी, मजा आया गाड़ी चला के। मैं भी लूंगा यार अभी ईवी वाली मैं, लेकिन मर्सिडीज की ईवी लूंगा। कौन सी पिक्चर है? हम लोग का फिर से, हम पूरा मन था रील बनाने का मेरा, लेकिन जैसे ही बोलता चल पिक्चर चलेंगे, अब क्या मना करूं अब छोटे भाई को। हम लोग पूजा से मिलने के लिए आए हैं। पूजा जो देती है कॉल, कॉल कॉल पे बात। राजू वाली गाड़ी कैसी दिख रही है? ये गाड़ी अच्छी दिख रही है, ये वही गाड़ी है ना जो हम किराए पे लेने की सोचे थे। हाँ हाँ, किराए पे। ये वही गाड़ी है जिसको हम सुबह साफ करने जाते हैं बेटा। आपने ड्रीम गर्ल 2 देखी तो आपको कैसी लगी? वो लड़की पूछी ना तेरे से? हाँ, और लड़की मेरे से पूछी कि ड्रीम गर्ल 2 आपने देखा है तो कैसा लगा? हाँ। मैंने कहा अच्छा लगा मूवी, तो बोलते हैं अच्छा क्या लगा उसमें? बड़ा एक से एक पंच थे उसके अंदर में, पूजा तो फिर पूजा ही है, तो बड़ा मजा आया पूजा को देख के। सही बात तो है। आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे उसको? आप ये नहीं बोले, पूजा को महसूस करके मेरा शर्ट का बटन खुल गया। नहीं नहीं, सेट का बटन नहीं खुला था। अरे खुल गया, बोलिए। पूजा से मेरे को क्या याद आ रहा है पता है वर्षा? पूजा को सोच के ना मेरी चैन खुल गई थी। अरे जो गलत सोची, चैन के साथ साथ बटन भी हम तो खुद देखे। नहीं नहीं, चैन खुली थी मेरी, तेंदुआ बाहर आ रहा था। आप फीलिंग को बोल नहीं पा रहे हो। हाँ, ये बात भी है। और मेरी फीलिंग जो ना, ओवरऑल वर्षा तेरे को कैसी लगी पिक्चर? बहुत बढ़िया, मस्त है, कॉमेडी मस्त था। हाँ, नहीं नहीं, कॉमेडी अच्छा था पिक्चर में। हाँ। और राजू तेरे को कैसी लगी? तू अपनी एक्टिंग कर जैसे करता है हर बार। पूजा की क्या एक्टिंग करूंगा यार, पूजा की एक्टिंग कर। चलो नहीं, मेरे को बड़ी अच्छी लगी पिक्चर। पूजा के संतरे? हाँ यार, वो पूजा के जो संतरे थे। नहीं यार, मैं अपने संतरे ढूंढ रही हूँ करके, मुझे संतरे ढूंढ रही थी ना, क्या गजब लगा मेरे को। और तो और वो सीन रात वाला, जब संतरा रात कैसा लगा? हाँ था, संतरा फूट गया था ना, तो बड़ा बेकार लगा कि अब मैं क्या करूंगी, क्या लगाऊंगी अपने यहाँ पे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, ये सोच के ना बड़ी परेशान थी मैं। ओवरऑल पिक्चर अच्छी थी, कॉमेडी थी, मजा आया देख करके। मेरे को और वर्षा को अच्छी लगी, सैम को थोड़ी कम अच्छी लगी। नहीं, वर्षा ने तेंदुआ देख लिया था। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठा था। तुम लोग एक दूसरे को अपना एक दूसरे, अरे अरे तू खुद ही तो बोली करके कि मैं तेंदुआ देखी। पता है क्या हुआ? जैसी पूजा ने अपना यहाँ पकड़ के रखी थी ना, उसका संतरा निकल गया करके, वैसी हम लोग जैसी मूवी देख के निकले, वैसी आप भी राइट साइड ऐसे पकड़ के रखे हो ना। हाँ, हाँ, पूरा सेम। क्या था ना, मेरा संतरा निकल गया था, तो मैं सोची कैसे किसी को दिखा पाऊंगी, इसलिए मैंने अपना हाथ यहाँ रख लिया था। हाँ, हाँ, हम सब समझ। और मैं वर्षा को बोल भी रही थी कि एक संतरा मेरे को भी दे दे। मेरे पास दो हो जाए। जो भी है, मूवी देख के बहुत मजा आया।
आज मेरे को विज्जू भैया की बहुत कमी खली इस फिल्म को देखकर। विज्जू भैया को हम बहुत मिस कर रहे थे, मैंने कहा भी था। हाँ, विज्जू को बहुत मिस किया मैं, वो जो बाथरूम में छोटा बच्चा वाला लगा रहता है यूरिनल वाला, वहाँ पे विज्जू हर बार सुसु वहीं पे करता है, गजब बेइज्जती है। देखो यार, मैं ठहरा सिंधी आदमी, मैं मूवी के बाद निकल गया दुकान, दुकान के बाद अभी जा रहे हैं घर। क्या करे, कुछ करने का था नहीं, और रील जो सोच कर आया था आज टाइम उतना वो हो गया, लेट हो गया बनाते बनाते। देखता हूँ रात को टेंशन टेंशन में, कार पैक पिया तो पिया, टेंशन हुई तो, अभी टेंशन है तो नहीं। वैसे इस फ्रूट को क्या बोलते हैं मेरे को कमेंट में बताना, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, आप सिंधी लोग बहुत दबा के खाते हैं, ऐसा रहता है अंदर से। वो जो नीचे में फल खा रहा था ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कमल का फूल, हम लोग सिंधी में उसको प्रबुन टिक्की बोलते हैं, बहुत लोग पोखरा बोलते हैं, और पता नहीं क्या क्या वर्ड है। वो कमल का फूल है, कीचड़ में उगता है वो, सॉरी कमल का फल है। तो गाइस, रात का 2 बज रहा है, आज का दिन हुआ समाप्त, तो आज के व्लॉग को भी करते अपन दी एंड। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और बहुत ज्यादा बकर बकर वाले व्लॉग्स भी होंगे पुराने, अगर देख रहे हो तो वो भी देख लेना। कल आएंगे फिर नए व्लॉग के साथ, फुल बकर।